अभी हम टेलीस्कोप हिल में आ गए हैं, हमारा डेस्टिनेशन, और हम यहाँ पे रहेंगे। बहुत ही एक पहाड़ी छोटा सा गांव है, बहुत अच्छा लुक्स है, बहुत। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंतस ब्लॉग। अंतस ब्लॉग है सबके अनेक अनेक स्वागत हो। और यहाँ पे हम दिखाएंगे हमारी डेस्टिनेशन, और हम अभी भी हमारी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचा, क्योंकि इस बार हम थोड़ा सा इधर उधर घूम के जा रहे थे, और थोड़ा बहुत घूम के ही जाना पड़ता है, नहीं तो इतना सुंदर नज़ारा वो आँख से निकल जाएंगे। तो এবার আমরা একটু ধীরে সুস্থে যাচ্ছি, না হলে প্রত্যেকবার কিন্তু এই জায়গাগুলোকে মিস করে ফেললে ভালো লাগবে না। এই জায়গাগুলো দেখতে দেখতে যেতেই কিন্তু মনটা ভালো লাগে। পাহাড়ের রাস্তাটা কি না তোমরা দেখতেই পাচ্ছো কতটা সরু রাস্তা, এবং এটা পুরোটাই মাটির রাস্তা, মানে পিচ ঢালাই আছে কিন্তু মাটি আর পিচ ঢালাই মিক্সআপ রাস্তা। এখনও এই গ্রাম্য সৌন্দর্যগুলো পেতে গেলে পাহাড়ের কিন্তু এই অফবিটগুলোতেই আসতে হবে। আর এখানে যদি পুরোটাই পাকা রাস্তা বা পিচ ঢালাইয়ের রাস্তা পুরোপুরি সুন্দর হয়ে যায়, তাহলে এই জায়গাগুলো আরও জনবসতি গিঞ্জি হয়ে যাবে, আর এই পাহাড়ের সৌন্দর্যটা থাকবে না। আগার ইয়ে ছোটা সা গাঁও কা ফিলিংস লেনা আপ সব চাতে হে তো থোড়া বহুত অফবিট এরিয়া ঘুম কে আইয়ে, আচ্ছে লাগেঙ্গে, আচ্ছা সুন্দর নজারা দেখনে কে লিয়ে ইয়ে পাহাড়ি गाँव बहुत अच्छे लगते हैं। अभी तक यहाँ पे ज़्यादा हाउसेस नहीं हैं, और ज़्यादा यहाँ पे जो क्राउड एरिया भी नहीं है, लेकिन ये जो रास्ता है कच्चा पक्का रास्ते से जाने के लिए, और यहाँ पे पीच का रोड और जो मिट्टी का रोड मिला के बहुत अच्छा लुक्स देते हैं। और ये अगर पूरा अच्छा वाला रोड हो जाएंगे तो इतना गिंजी हो जाएंगे कि क्राउडी हो जाएंगे कि यहाँ पे फिर ज़्यादा हाउसेस होने लगेंगे, और फिर जाके यहाँ पे यहाँ का जो सुंदरता वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। लेकिन अभी भी हम हमारे ये जो गांव का फीलिंग्स लेना चाहते हैं, और इसीलिए इस टाइप का एरिया में आना पसंद करते। एक छोटा सा पहाड़ी गांव कालिम्पोंग का, नॉर्थ बंगाल का नोकडारा, और वहाँ पे है हमारा एक लैंड। हाँ, हमने पहले भी बोला हुआ है, लेकिन अभी भी हमने आप सबको नहीं दिखाया है, तो आगे जाके वो भी हम दिखाने वाले हैं आप सबको। और व्यू देखिए, व्हाट ए व्यू, ब्यूटिफुल व्यू। पूरा रास्ता हम व्यू देखते देखते गए हैं, এই টোটাল রাস্তাটাই কিন্তু আমাদের সময় কেটে গেছে শুধু এই ভিউটা দেখতে দেখতে। জাস্ট দেখার মতন, অসম। আর আমরা নিজেরাই নিজেদের গাড়িটা চালিয়ে যাই, যার জন্য আমরা কিন্তু কোনো কোনো জায়গায় ইচ্ছা মতন থামি। আমাদের জমির পাশে একটা সুন্দর লেক আছে, যেটা মমতা ব্যানার্জি উদ্বোধন করে এসেছিলেন, যেটা পাহাড়ের ঝর্ণা জলে তৈরি। ওই লেকের পাশে একটা মন্দির আছে, ওখানে আমরা ঠাকুরের পুজো, ভোলেনাথের পুজো দিয়ে ভোলেনাথের মাথায় দুধ ঢেলে তবেই ওখান থেকে যাই। এটা প্রত্যেকবারে আমাদের নিয়ম, আমরা যাবই ওখানে, না গেলে যেন শান্তিই পাই না। তো পাহাড়ি ধুতরা ফুল তুলে নিয়েছে আমার হাজব্যান্ড, পাহাড়ি ধুতরা ফুল তুলে নিয়ে এবার চলে যাব ওখানে। তো পাহাড় সে ইয়ে যে ফ্লাওয়ার হতে হে না ভোলেনাথকে মাথে পে দিলেনে কে লিয়ে। আর ইয়ে দেখি, ইয়ে হে নার্সারি, আর ভিউ দেখতে দেখতে, আর কোয়াশ কা যো পেড় হে ও দেখতে দেখতে হাম পৌঁছ গয়ে। यहाँ पे एक भगवान का मंदिर है, हम वहाँ पे आए हैं भगवान को नमन करने के लिए, देन जाएंगे अपना लैंड के उधर। हाँ, यहाँ पे एक भोलेनाथ का मंदिर है, हम भोलेनाथ जी के माथे पे दूध और ये जो पहाड़ी फ्लावर है वो डाल के भोलेनाथ का पूजा करके फिर बच्चे लोगों को लेके फिर इधर से हम जाते हैं। हमारी जो अभी तक हमारा जो घर ओपन नहीं हुआ है, रेडी नहीं हुआ है प्रोजेक्ट का काम, इसीलिए हम एक होम स्टे में रहते हैं, और वो भी अपने जैसे हो गया है। वहाँ पे भी वीडियो हम शो करेंगे, पहले हम यहाँ से पूजा वगैरह करके भोलेनाथ पर पानी चढ़ा के दूध चढ़ा के फिर इधर से निकलते हैं। ब्यूटीफुल प्लेस है, दिल पूरा ठंड हो जाते है यहाँ पे आने के बाद। अभी देखिए मेरे हस्बैंड कार को इधर से उधर घुमा रहा है, फिर कार को बैक में लेके हम जाएंगे सीधा हमारी होम स्टे की तरफ, क्योंकि बहुत भूख लग गए है। पूरा दिन सुबह से लेके हमने छोटा मोटा नाश्ता वगैरह किया है, चाय पिया है, और फोटोशूट रील्स ये वगैरह करते करते हम निकल पड़े, और फिर बहुत भूख लगे है। उन सबको हमने बोल भी दिया था, राजू भाई को, कि हमारे लिए खाना रेडी करके रखिए। अभी था नवरात्रि के टाइम, दुर्गाष्टमी के टाइम, तो दुर्गा पूजा भी पहाड़ में
हम देख रहे हैं हो रहे हैं। और हम अभी ये जो पहाड़ी पहाड़ का गांव का रोड है, यहाँ से चल पड़े हमारे राजू भाई का जो होम स्टे, वहाँ पे हम रहते हैं। और वहाँ पे हम एकदम अपनों जैसे हो गए हैं। हम खुद जाके वहाँ पे खाना पकाना, फिर खुद वहाँ पे मस्ती करना, खाना, एक अपनों जैसा फीलिंग्स हो गया है। देखिए यहाँ पे ये जो गांव का रास्ता, हम वहाँ पहुँचे हमारी होम स्टे की तरफ। पूरा होम स्टे का ऑल टोटल वीडियो भी आप सबके सामने रहेंगे, बस आप सब ध्यान दीजिएगा, हमारी ब्लॉग में बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छा, और अगर वीडियो को अच्छा लगा तो बिल्कुल सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हमारे अंतरिक्ष ब्लॉग में आप सबके हमेशा स्वागत है। हम यहाँ पे रहेंगे, बहुत ही एक पहाड़ी छोटा सा गांव है, बहुत अच्छा लुक से, बहुत अच्छा दिस द नेम। और ये हमारा जमीन के पास ही है, हम जमीन में आज नहीं जा पाए है, हम कल जाएंगे जमीन में। হ্যাঁ হ্যাঁ রাখো নিচ্ছি, আমি তো চেঞ্জ হয়ে যাবো না, আমার তো এই লুকসটা থাকবে না।